I think, let me be really honest, I recorded the whole song in one go. And I did not document it. This is an honest confession, guys, because while we were making the song, we didn't think about anything that whether how the song would do, acha jayega, nahi jayega, kaisa hona chahiye. You know, we just had the lyrics in front of us and I just kept singing and the entire take was just one day. Yeah. How did you come across? How did you come across the idea behind Chhod Jaye? Well, I think I would like Sachin to answer this question. आइडिया बहुत सिंपल है. जब मैंने वो भी कंपोज ना, तो हमारे लिए लिरिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है. सो जैसे ही हम लोगों ने वो शब्द देखे, वो जो थॉट थी योगेश जो लिरिसिस्ट है, आई थिंक वो फ्लो करता गया. वो कॉम्पोजिशन इतना, आई थिंक दैट वॉज फ्रॉम आई डोंट नो, आई कांट से दैट कि वो कहाँ से आता है क्रिएशन, डोंट नो. बट वो ऐसी चीज आती है जो आई थिंक हमारे भी दिल को छू जाती है सर. सो उनमें से यही है ना कि परम्पर डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब कि उसने गाया एंड उसके बाद इसने बाद में बोला कि क्या करें, एक और बार रीटेक करते हैं, कुछ एक और बार गा लेते हैं, एक काम करते हैं, बिकॉज क्या पता कि शायद और बेटर हो जाए. सो बट मेरे दिमाग में एकदम ये नहीं था कि नहीं, जो है जो गाया हुआ आई थिंक यही लोगों तक पहुँचना चाहिए. आई थिंक क्या हाल चाल है, कैसे है सब लोग यहाँ? देख रहे हैं सबने मास्क पहना है, इसमें छोड़ देंगे. Guys, let me tell you guys, we both really love the effort that you guys are putting into Sattva. Congratulations! It is just so amazing for an artist to see so much love for them. Yeah, वैसे we missed the college concert. हम लोगों को भी पता है जितने भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो भी इंजीनियरिंग के होंगे और उनको कितना इस दौरान बुरा फील हो रहा होगा कि यार वो जो पूरा फेस्ट होता है, वो माहौल होता है, वी कैन फील दैट. एंड इतना भी हो जाना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू गाइस. ऐसे मिल लिया ना कोविड के टाइम में, यही बहुत है. और इसी में थैंक यू. We made, I think, a lot of songs like before this. You guys like that song? Okay. So yeah, before that, I think, you know, we were making multiple songs during the lockdown. And छोड़ देंगे जब हुआ, जब गाया, जब बनाया, we felt that there's certain kind of different energies into us, because you know when we were composing music, you know we get certain hints from the atmosphere. कि कुछ गाना बन रहा है, कुछ शायद डिफरेंट चल रहा है, बट समवे वी न्यू दैट जब ये गाना आएगा तो ये कुछ करेगा. एंड वी कैन सी द रिस्पॉन्स हियर गाइस, थैंक यू. यू ऑल आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना कुछ. वो आजकल चल रहा है ना, अभी ट्रेंड है, वो पार्टी हो रही है. सो क्या करना है, पार्टी हो रही है. तो ये हम है, ये हम है, ये सत्वा है, और यहाँ छोड़ देंगे कि पार्टी हो रही है. ठीक है, एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं. ठीक है, वी कैप्चर दिस. गाइस, ये हम है, ये सत्वा है, और यहां छोड़ देंगे कि पार्टी हो रही है. ये तो बदला था.
can say this better than you? Well, I think where there is heart, there is music. And I would like anybody jo jinka mann hai gaane ka, you can join me. You can join us. Come on. ताकि सब लोग एक बार और आगे आ जाएं, सब लोग मास्क तो पहने ही हैं। Can you guys join us here in a circle? Yeah. देखो जल्दी चले जाएंगे, उससे पहले थोड़ा बहुत गुफ्तगू कर लेते हैं। Can we do one line? Not this, any without music. चलो एक साथ करते हैं। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन छोड़ेंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन छोड़ेंगे। ओ हंसने ना देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे, पल पल बाद याद आएंगे। We need to be louder. हंसने ना देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे, पल पल बाद याद आएंगे, सोने ना देंगे। ओ ना यकीन किसी पे भी तुम कभी कर पाओगे, कुछ इस तरह से तुमको दिल ही दिल में तोड़ देंगे। जिन्ना तुम्हेरा वही मैं तेरी।
पटोला बन के बंडन के मुटियारा आया पटोला बन के कन्ना दे विच पिप्पल बतिया बाही चूड़ा बन के सच्चे मन से बनाओ, सच्चे मन से काम करना, तो जनता को ऐसा कोई फेक चीजें वैसे भी जमती नहीं है, उनको सामने सब कुछ जनता के सामने सब कुछ वैसे भी दिखता है, तो फेक चीजें चलती नहीं है, तो इसीलिए दिल से कुछ भी बनाओ एंड आई थिंक उन तक पहुंच जाता है। जब भी आपकी सारे गाने की डिमांड
कॉलेज आर्टिस्ट के लिए ब्लेसिंग है, यू नो, इफ एन आर्टिस्ट इज कमिंग टू कॉलेज और उनके गाने या उनके जो वर्क है, जो लोग सुन रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, ये आगे जनरेशन पढ़ाएंगे। मुझे आज भी याद है व्हेन वी यूज्ड टू लिसन अपने कॉलेज में, जब लकी अली जी के गाने होते थे वो सब सुनते थे, तो आज भी हम लोग के जहन में कहीं ना कहीं रहते हैं। सो ऐसे ही जितने भी कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उस दौरान जो सॉन्ग्स आते हैं, उन लोग को जो पसंद आते हैं, वो आई थिंक एजेस तक चलते रहते हैं, 20-30-40 साल, जब वो बड़े हो जाते हैं तब तक वो ऐसा होता है। आई थिंक इट हैज दैट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं, बट आई थिंक द यूथ शुड लव द सॉन्ग्स, दैट्स इट। अरे यार, वी मिस कॉलेज शोज। एक ही रीजन नहीं है, हर रीजन के लिए हम कॉलेज जाना चाहते हैं। वी मिस कॉलेज शोज। कॉलेज शोज से बेटर या कॉलेज अपीयरेंस कुछ अच्छा होता नहीं। यू गेट टू सी कि असली आपको जनता तक वो गाना पहुंचा है कि नहीं, एंड इफ दे कैन सिंग विद अस, एंड आई थिंक द सॉन्ग अपने एंड से वो जीत चुका है। अभी एक और है गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ के साथ है, सो वो आई थिंक एक दो हफ्ते के अंदर आने वाला है, सो वो भी है। देन एंड वी आर ऑल सेट फॉर आदि पुरुष ऑल्सो, सो तो वो तो बूम बड़ा है, एंड आई थिंक वेरी वेरी बिग फिल्म, बहुत ज़्यादा अच्छा इंटेंशन से बनाई जा रही है, बहुत अच्छे पावरफुल तरीके से बनाई जा रही है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, एंड आई थिंक जर्सी इज ऑल्सो देयर, बट वो थोड़ा सा नवंबर तक पहुँच गई है, सो आई थिंक काफ़ी कुछ है। थैंक यू सो मच।